मलेशिया में आजकल एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है उपरासी हुरमत उडंग उडंग। मुसरन अल्फाज में या सादा अल्फाज में ये बता देता हूँ कि इन्होंने वो बंदे फड़ने ने जिन्हों को बेचारे को डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब मैं ये कह रहता हूँ कि ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, ये सबसे पहले बता देता हूँ। ये हिंदी में भी बता देता हूँ कि इन्होंने वो बंदे पकड़े हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, गाड़ी किसी और के नाम है, गाड़ी चला रहे हैं और लाइसेंस भी नहीं है, वो गाड़ी को बंद कर देंगे। जो गाड़ी किसी और ओनर के नाम है और गाड़ी चला रहे हैं, ये रोकेंगे, ये उस गाड़ी को बंद कर देंगे। और इसमें मुख्तलिफ अदारों के लोग हैं, इसमें इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया, इसमें PDRM है, इसमें रेलवे के लोग हैं, रेला के लोग हैं, और इसके अलावा इसमें JPJ के लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम रोड्स ब्लॉक हैं। अब ये इसमें मकसद यही है कि जो लोग कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, इशारे तोड़ते हैं, गलत यू टर्न लेते हैं, रुकते नहीं है, लाइट्स पे रुकते नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिनके पास, लाइसेंस बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का कोई मसला है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है, इस तरह के लोगों को वो रोक रहे हैं। अब ये है कि इसमें बचने की तरीकाकार यही है कि भाई फजूल बाहर ना निकलो। अगर आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, या आपके पास कार वगैरह, ख़ास तौर पे अगर आप फॉरेनर हो, बाकी चीज़ें बाद में, अगर आप फॉरेनर हो तो भाई मोस्टन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी है तो ट्रैवल शेवल करो, खुले दिल करो, कख भी नहीं होता। जैसे ऐसे करो जैसे खाला जी दवाड़े गए हो, मतलब कि आप घूमने फिरने गए हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर अपना ख्याल रखो, फजूल बाहर ना निकलो। और तीसरी बात यह है, रात को मेरे अपने दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने गाड़ी किसी और, कोई और ओनर था, वो भी उनका रिलेटिव थे, तो रोक लिया, अच्छा जी गड्डी है उन बंद करनी है ताड़ी, गाड़ी लेके वो चले गए थाने छाने लेके गए, वो आगे का प्रोसेस है किस तरह वो बेचारा निकला, उसने खुद को मजबूत किया, अल्लाह पाक ने उसकी की सुन ली, वो जिस तरीके से वो बच गया। बाकी हम लोगों के लिए भाई ये एक सबक है। 31 जुलाई तक ये रहेगा, इसमें ये जो साइडों पे इमिग्रेशन के छापे छुपे मार लग रहे हैं, ये इन्हों का हिस्सा नहीं, जे है ये इसका हिस्सा नहीं है, वो अलहदा वो चलता ही रहना। और वो जो नए लोग हैं वो कहते हैं कि यार इमिग्रेशन ने शायद छापे अब लगाने शुरू कर दिए, इमिग्रेशन इसी तरह सारा साल छापे मारती है, ये इसके रुकते नहीं है मामला, ये ऐसे चलते हैं। मगर ये जो रोड्स के ऊपर आपको मामे शामे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए है कि आजकल एक ऑपरेशन चल रहा है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें मुख्तलिफ अदारों के लोग हैं और उनका मकसद सिर्फ ये ही है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, और वो ख़ास तौर पर ये फॉरनर के ख़िलाफ़ है। जो फॉरनर है, बड़े सारे फॉरनर है, फैक्ट्रीज पे काम करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे काम करते हैं, गड्डी शड्डियाँ लेके जाते हैं, तो वो उनके लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपको देनी थी, ये छोटी सी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा, फजूल बाहर मत निकलेगा, ये ना हो जानों के लिए आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ तो बाहर जो तो मामे खलोते हो। तो ये है कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को महफूज रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।